भंडारी नगर के प्राचीन मंदिर राय सत्ती में श्री राम भक्त कमेटी के तत्वावधान में रावण के पुतले का दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व पालिका अध्यक्ष साहू सुनील सहाय व पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव ने संयुक्त रूप से रावण के पुतले का दहन किया। इसके बाद रावण का पुतला धू धू कर जल उठा और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस अवसर पर बोलते हुए साहू सुनील सहाय ने कहा कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का कठोर वनवास किया था और असुरों को मार गिराया था। कहा कि हमें भगवान श्री राम को आदर्श मानना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में कुमार तान्य वेश्य सभा के अध्यक्ष गंगा प्रसाद राजेश, जगदीश प्रसाद गुप्ता, सभासद सुमित गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, लाला गुप्ता, राजू गुप्ता, संजय गुप्ता आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक में दीपक गुप्ता, अमन गुप्ता, पारस गुप्ता, छवि राज चावला, पराग गुप्ता, चिराग गुप्ता, आयुष गुप्ता, अर्पित गुप्ता, नीलेश गुप्ता, सत्यम गुप्ता, नैतिक गुप्ता, हैप्पी गुप्ता, यश गुप्ता आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। वहीं सुरक्षा दृष्टि के मद्देनजर कोतवाली प्रभारी रविंद्र प्रताप के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ये आज विजयदशमी का त्यौहार मनाते हैं। मैं तो पहले अपने सब नगर परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस प्रोग्राम को कर रहे जो मेरे युवा साथी और जो भी मेरे इसमें सम्मिलित है कमेटी, मैं वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पुनः फिर सभी को नगरवासी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। दशहरे के पावन पर्व पर मैं सभी बिलारी वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और गत 12-13 वर्षों से यहाँ के नव युवक इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और इसमें अब बिलारी का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें शामिल होता है और ये जैसे कि सब जानते हैं कि ये अच्छाई की जीत का प्रतीक है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और प्रभु राम विजयी होके आए थे तो ये विजयदशमी मनाई जाती है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।